गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 11th एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन हमने 7th तक कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 8th और 9th और 10th, इसमें तीन ही क्वेश्चन पेंडिंग है, वो करेंगे और उसके बाद हम 3.3 में यूज़ होने वाले, जैसे आपने 10th क्लास में फार्मूलाज लर्न किए थे, वैसे ही आपको 11th क्लास में भी कुछ फार्मूलाज हैं जिनके बेस पर आप क्या करेंगे, यानी आइडेंटिटीज कह सकते हैं उनको, अपने सर्व समीकरण उनके आधार पर क्या करेंगे, आप क्वेश्चन को सिद्ध करेंगे यानी सॉल्व करेंगे, ठीक है, हल करेंगे। तो अभी अपने पास ये तीन क्वेश्चन हैं, इनको करते हैं। पहले आपको 10 19 पाई अपॉन 3 का कोण बताना है, सॉरी कोण क्या, इसकी वैल्यू बतानी है कि 19 पाई बटा 3 का क्या मान होगा। हमें तो 0 से 90 तक के मान ज्ञात थे, हमें अब इसका ज्ञान मान ज्ञात करना है। 6th और 7th क्वेश्चन में हमने इसका किया था, लेकिन उसमें हमारे पास कोण क्या थे, डिग्री में थे, और यहाँ पर अब हमारे पास कोण किस में है, ये रेडियन में है। इस चीज़ का हमें कैसे पता लगा, ये पाई है, ये पाई ही बताता है, ये पाई अगर कोण के अंदर है तो वो रेडियन के अंदर ही होगा, इस पाई के आधार पर हमें पता लगा, ठीक है। और वैसे भी यहाँ पर डिग्री नहीं दिख रही, इसका मतलब ये रेडियन में ही है ऑफकोर्स। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो बेटा इसको सॉल्व करने के लिए अपने क्या करें, देखो जो आपका हर होगा उसका आपको टेबल आना चाहिए, पढ़ा, उसके पहाड़े के नज़दीक में जाओ, जो ऊपर वैल्यू है ना उसके नज़दीक में, जैसे 3 के 6 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 18 आता है, यानी हम इसको 19 पाई को 18 पाई प्लस पाई बटा में 3 लिख सकते हैं। यदि हम 3 को अलग अलग करते हैं तो ये 6 पाई बटा में 3 बन जाता है, 18 से के नीचे में 3 लगा दिए और पाई के नीचे में 3 गया, तो 3 से कट गया, 6 पाई प्लस पाई बटा 3 आ गया। क्या सोचना आपको, जितना 3 का पढ़ा, जो नीचे हर लिखा है उसका पढ़ा आना चाहिए और उसके नज़दीक जाना चाहिए, तो 6 से गुणा करते हैं तो पाई 18 आ जाता है, तो मैंने इसको 19 पाई को लिख लिया, 18 पाई प्लस पाई लिख लिया। अब देखें यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है 6 पाई, अब इसको 6 पाई को आप क्या लिख सकते हैं, 3 × 2 पाई लिख सकते हैं, प्लस में पाई अपॉन 3। अब आप इससे कुछ समझे होंगे कि 2 पाई के 3 चक्कर लगा के आओ तो आप कहाँ पर हो जाओगे, तो मैंने आपको कहा था कि 2 पाई के जितने मर्जी चक्कर लगाया हो, एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, वो भी आप कहाँ पर रहोगे, 0 पर ही रहोगे। अच्छा चलो आपको ये नहीं समझ आता, तो आप ये देखो पाई के 6 चक्कर लगाया हो, गुणा में है तो पाई के 6 चक्कर लगाया हो, 6 पाई का मतलब क्या है, पाई के 6 चक्कर लगाना, 0 से स्टार्ट हुए ये पाई, 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, 4 चक्कर, 5 चक्कर और ये छठा चक्कर, तो घूमकर वापस कहाँ आ गए, 0 पर आ गए। इसको इससे समझने से अच्छा तो आप ये समझो कि 6 पाई के हम गुणनखंड कर सकते हैं 2 पाई और गुणा में 3, तो मतलब हम अब 0 डिग्री पर हैं, 0 डिग्री पर यहाँ पर बैठे हैं हम, अब 0 से ये प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है, तो 0 से प्लस हो रहा है तो मतलब पहले में चले गए, क्या ये परिवर्तन रेखा है, नहीं है, तो ये 10 का 10 रहेगा, यानी 10π/3, यहाँ पर चेंज तो नहीं होता, सिर्फ इस लाइन पर होने पर चेंज होता है, चाहे यहाँ से प्लस करें या माइनस करें। उसके बाद देखें कि ये 10 पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव, जब इसमें से आप जाते हैं फर्स्ट में चले गया, प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, सिर्फ सभी पॉजिटिव होते हैं, सभी प्लस के होते हैं, तो बाहर यहाँ प्लस ही आएगा, तो 10π/3 यानी 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3, यानी 10 19π/3 का मान कितना है, √3 है। इस तरह से आपको इनके मान ज्ञात करने हैं। चलो अब इसकी बात करते हैं, अब आपको यहाँ पर सेम वैसा ही सोचना है, ये 3 है, इसके नज़दीक जाना है। देखो कुछ बच्चे 9 पर तक जाएंगे और कुछ बच्चे 12 तक जाएंगे, कहेंगे सर 3 × 12 होता है, तो 11 के नज़दीक 9 ज़्यादा होता है या 12 ज़्यादा होता है, ऑफकोर्स 12 होता है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, माइनस के 12 पाई प्लस पाई, ये आपके हो गए माइनस के 11 पाई, ये माइनस के 11 हैं तो हमें माइनस के 11 ही बनने चाहिए ना, माइनस के 12 पाई और प्लस के पाई, अब इसको क्या अलग कर लें तो यह आ जाएगा माइनस के 4 पाई प्लस पाई अपॉन 3, आगे साइन, इसको हम माइनस 2 × 2π लिख सकते हैं प्लस पाई बाई 3। अब मैंने कहा था 2π के जितने मर्जी चक्कर लगाया हो, लेकिन वो एक क्या संख्या, उसके चक्कर जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, एक पूर्णांक होने चाहिए, तो माइनस का 2 एक पूर्णांक है,
फिर से आप जीरो पर हो, जीरो में प्लस कर रहे हो, यानी प्रथम में चले गए, यानी साइन पाई बाई थ्री। और प्रथम में सभी पॉजिटिव होते हैं, प्रथम चतुर्थांश में साइन 60 का मान अंडर रूट 3/2, यानी इसका मान कितना है, अंडर रूट 3/2 है। अब इसके मान की बात करते हैं, कोट, अब इसके नज़दीक क्या है, कुछ बच्चों को 12 लग रहा है और कुछ को 16 लग रहा है, मुझे तो 16 लग रहा है क्योंकि 15 के नज़दीक 16 ज़्यादा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस के 16 पाई प्लस पाई 4। इसको अलग करेंगे तो ये हो जाएगा कोट माइनस 4 पाई प्लस पाई 4। इसको हम लिख सकते हैं माइनस 2 × 2 पाई प्लस पाई बाई 4। तो हम 2 पाई के माइनस 2 चक्कर लगा रहे हैं, माइनस 2 का मतलब है 360 के उल्टे चक्कर लगाना। यहाँ पर 0 डिग्री होता है, ये 360 का उल्टा चक्कर इस डायरेक्शन में, और प्लस लिखा होता तो ऊपर से आते, एक चक्कर हो गया फिर से यहाँ घूम कर जाए तो दूसरा चक्कर यहाँ पर हो गया तो वापस हम 0 पर ही आ गए। इस 0 के बाद ये प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है उसको देखो, तो 0 से प्लस हो रहा है, 0 में प्लस होने का मतलब यहाँ पर जाएंगे हम, तो हम किस में आ गए, प्रथम में, चेंज नहीं होगा, प्रथम में सभी पॉजिटिव होते हैं। पाई बाय 4, पाई का मान 180 होता है, 180 में 4 का भाग देंगे 45, तो कोट 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, यानी कोट माइनस 15 पाई बटा में 4 का मान कितना है आपके पास, 1 आएगा। इस तरह से हम इनके मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन थे 3 जो 3.2 के। इसके बाद बच्चों अपने 3.3 के जो बेसिक फॉर्मूला यूज होंगे उसमें आइडेंटिटीज, उनको याद करेंगे, पहले मैं आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है, बाद में आप उनको लर्न करेंगे। तो पहले तो हमने चलो टेंथ वाले लिख लेते हैं, वैसे तो मैंने लिखवा भी दी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, इनसे भी कुछ आइडेंटिटी बनती हैं। और एक आपने लाल बटे कक्का पढ़ा था जिसमें आपने ये साइन का, ये कोस का और ये टेन का, साइन थीटा, ये कोस थीटा और ये टेन थीटा, और इनके विपरीत भी हैं, ठीक है। आई थिंक बाकी तो आपको लगभग याद ही होंगे कि साइन कोसेक का उल्टा होता है, कोस टेन का उल्टा होता है और सेक कोस का उल्टा होता है, साइन कोसेक का, टेन कोट का और सेक कोस का। अब जो अपने 11th के फॉर्मूले हैं, आइडेंटिटीज हैं, जो सर्व समीकरण, उनको याद करेंगे। पहली है साइन 2 थीटा, यदि कहीं साइन 2 थीटा लिखा हुआ है तो उसको हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कोस थीटा, या इसको वापस भी लिख सकते हैं, या उसको हम लिख सकते हैं 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर आती है कोस 2 थीटा, यहाँ पर जैसे साइन 2 थीटा के 2 फॉर्मूले आपके पास, उसी तरह से कोस 2 थीटा के 4 फॉर्मूले आपके पास। पहला, इसको हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा, इसे लिख सकते हैं हम 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी हम कोस 2 थीटा को लिख सकते हैं। तीसरा, कोस 2 थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। चौथा, कोस 2 थीटा को लिखा जा सकता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो गई। इसके बाद हम लिख सकते हैं टेन 2 थीटा की आइडेंटिटी। टेन 2 थीटा की क्या होगी, 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा की 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये तीनों आपस में बराबर हैं। अगर आपको कोई भी इनमें से एक दिखता है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, अगर ज़रूरत है तो कोस थीटा की, कोस 2 थीटा की ये बन सकती हैं, ठीक है, इन दोनों से कोई और दो बनेंगी। ये दोनों बहुत यूज़ होती हैं, और इन दोनों से बेसिकली क्या बनती है, जैसे ये माइनस का वन इधर आ जाएगा तो वो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इससे क्या बनेगी, ये इधर आएगा तो यहाँ लिख लेते हैं 1 प्लस कोस 2 थीटा बराबर बन जाएगी 2 कोस के थीटा, और 1 माइनस कोस 2 थीटा बन जाएगी 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये इसी फॉर्मेट में आपके बहुत बार आती है, तो इसको आपको याद रखना चाहिए कि 1 प्लस कोस 2 थीटा 2 कोस के थीटा होता है, और 1 माइनस कोस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा है।
धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ट्रिक्स पता लगेंगी कि अगर प्लस है तो कोस कर लगाना है और माइनस है तो साइंस कर लगाना है, सिर्फ इसी में, ठीक है। और ये होगी इसकी, इसके बाद हम साइन थी थ्री थीटा, थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा, कोस थ्री थीटा, फोर कोस क्यूब थीटा माइनस थ्री कोस थीटा, टेन थ्री थीटा की, थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब, थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन में वन माइनस थ्री टेन स्क्वेयर थीटा, ये होगी आपके पास टेन थ्री थीटा की। पहले साइन टू थीटा कोस टू थीटा फिर टेन टू थीटा फिर साइन थ्री थीटा कोस थ्री थीटा और टेन थ्री थीटा, ये छः हो गई, ये दो तो इसी से बनी है। इसके बाद आपके पास आती है साइन ए प्लस बी की, चलो इसके हाँ साइन ए प्लस बी की क्या आ जाएगी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, यदि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। इसके बाद आती है आपके पास कोस ए प्लस माइनस बी की, इसकी होती है कोस ए कोस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी, यदि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ पर माइनस है तो प्लस आएगा, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे टेन ए प्लस बी की, क्या आ जाएगी टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, ये टेन ए प्लस बी की आपके पास आ जाएगी। साइन की होगी कोस की होगी और टेन की होगी। इसके बाद आपके पास आती है, यदि आपके पास लिखा हुआ है कोस ए प्लस कोस बी तो इसको आप लिख सकते हैं टू कोस ए प्लस बी अपॉन टू कोस ए माइनस बी अपॉन टू, यदि आपके पास लिखा है कोस ए माइनस कोस बी तो इसे आप लिख सकते हैं माइनस टू साइन ए प्लस बी अपॉन टू साइन ए माइनस बी अपॉन टू। देखिए यहाँ पर दोनों कोस में है, प्लस है तो दोनों कोस के होंगे, माइनस है तो दोनों साइन के होंगे और बार माइनस भी आएगा। इस तरह से ये साइन ए प्लस साइन बी की होती है टू साइन ए प्लस बी अपॉन टू कोस ए माइनस बी अपॉन टू, यानी अब साइन में दोनों तो साइन कोस, अब इसके बीच में मैं माइनस लगाऊंगा तो देखो क्या चेंज होता है, ये पलट जाएंगे, ये साइन कोस हो जाएगा और ये कोस साइन हो जाएगा, ये चार हो गए, ठीक है। अभी इसके बाद इन्हीं की रिवर्स बनती है, कैसे, यदि आपके पास लिखा है टू कोस ए कोस बी तो इसको आप लिख सकते हैं कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, यानी टू कोस ये पूरा ए बन गया और ये बी बन गया, ये लिखा तो आप उसको ये लिख सकते हैं, यदि माइनस टू साइन ए साइन बी लिखा है तो आप उसको कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी लिख सकते हैं, यदि आपके पास लिखा है टू साइन ए कोस बी यानी ये वाली तो आप ये लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, यदि आपके पास लिखा है टू कोस ए साइन बी तो आप वहाँ से लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ये बेसिकली आपके पास इतनी आइडेंटिटीज़ हैं, सर्व समीकाएँ हैं जिनको आपने याद करना है, ठीक है। और इसी के आधार पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइडेंटिटीज़ बहुत बार ईजी है, आप रिवाइज करें, ठीक है। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उनमें आप तब आप इनको देख देख के लिख लेना, लेकिन जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ये अपने आप आपके लर्न होती जाएंगी, ठीक है। इनको रोज़ एक बार रिवीजन में लें क्योंकि ये आपके लिए याद करने आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बिना आपका थर्ड चैप्टर आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो इसको आप पहले याद करें फिर उसके बाद हम 3.3 को हल करेंगे, ठीक है।